अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बस बस शीला जी, शीला जी आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, वो भी उसके लिए जिसको फरिश्ता माना है मैंने, और ये है सही मायने में फरिश्ता ही है हमारे परिवार के लिए, पूर्वी के लिए, क्योंकि हर मुसीबत के समय इसने पूर्वी का साथ दिया है, उसे बचाया है, इसलिए आरवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। हम भी तो वही कह रहे हैं प्राची जी आपसे, ये जिसे आप फरिश्ता बता रही है ये फरिश्ता बना कैसे? मतलब जब जब पूर्वी को प्रॉब्लम होती है तब तब ये वहां आ जाता है, क्यों? उस दिन ये सगाई में आ गया, संगीत में आ गया, और दूसरी बात ये है कि दोनों ही जगह बिना इनविटेशन के आया था। ये तो सच में मजाक ही बन गया है। मतलब कोई भी लड़का ऐसे आ जाता है किसी लड़की का साथ देने और ये सब उसे फरिश्ता मान बैठते हैं। एक बात बोलूं प्राची, उम्र में तुमसे बड़ी हूं इसलिए समझा रही हूं, एक बार अपनी बेटी से पूछ क्यों नहीं लेती हो कि ये सब क्या चल रहा है? ये आरवी उसके आगे पीछे क्यों चक्कर लगाता रहता है? ओके डन, अब कोई लिहाज नहीं होगा क्योंकि बात अब मुझ पे आ गई है। ये सिर्फ आपकी फैमिली का मामला नहीं रहा, अभी मेरा भी मामला हो गया है और मैं बोलूंगा, हक से बोलूंगा। यहाँ सब लोग यही पूछते हैं ना कि मैं पूरी के साथ क्या कर रहा था, हमेशा इसके पास कैसे पहुंच जाता हूँ, ये जाना ना सबको। मैं आपको सब बताता हूँ। सगाई के दिन मैं वहां इसीलिए आया था क्योंकि मुझे जसबीर को ऐश करवाना था, क्योंकि उसने मेरा पंडाल जलाया था और मुझे पता चला वो इनके घर पे, पुलिस भी भाई लेके आया था, और आज मैं यहाँ आया हूँ अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। मैं ना तब पूर्वी के लिए आया था ना अब पूर्वी के लिए आया हूँ, समझ गए आप लोग? अब कोई कहानियां बनाने की या कोई गॉसिप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक बात साफ साफ बता दूं आप सबको कि पूर्वी और मैं दोस्त तक नहीं है। We're not even friends. हम बस जानते हैं एक दूसरे को और कुछ नहीं। और ये सिर्फ भाग्य का खेल है कि हम बार बार एक दूसरे से टकरा जाते हैं, स्पेशली तब जब पूर्वी किसी मुसीबत में होती है। वाह बेटा वाह, अपने किए को भाग्य का खेल बताना तो कोई तुमसे ही सीखे। अरे तुम्हारी उम्र का तो मेरा पोता है, और ये उम्र ऐसे घास खा के नहीं हुई है। और आप सबको इस लड़के की बातों पर यकीन करना है तो कर लीजिए, लेकिन सच क्या है वो मैं तो जान गई, और सच तो यही है कि ये आरवी यहाँ सब बर्बाद करने आया है। ये चाहता ही नहीं है कि पूर्वी और आशु की शादी हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।